अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ नुमान जाहिद फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आइडिया प्लेटफॉर्म DHA लाहौर। व्यूअर्स, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और इसरार पर मैंने आशियाना हाउसिंग स्कीम के इंटरनल व्यू के ऊपर वीडियो बनाई है, जिससे आप सोसाइटी का जो दो मरले का घर है उसका इंटरनल व्यू इस वीडियो में देख सकेंगे। आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूअर्स, बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे मैप नज़र आ रहा होगा, इसमें सबसे पहले अगर आप देख लें तो राइट पे किचन है जिसमें डॉटेड, उसके बाद TV लाउंज जिसमें डाइनिंग टेबल और सोफ़ा लगा हुआ है, और सीढ़ी एक ऊपर जा रही है, सीढ़ी के बिल्कुल साथ आपको एक वॉशरूम मिल जाता है, और लेफ्ट पे एक बेड है, और बेड के साथ आप एक छोटा सा देख रहे हैं ओपन टू स्काई एरिया है। तो ये दो मरले का इंटरनल व्यू है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको भी वीडियो में भी देखेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर। तो व्यूअर्स, मैं इस टाइम मौजूद हूँ आशियाना हाउसिंग स्कीम के दो मरला घर के बाहर, और इसके गली का व्यू आप देख रहे हैं कि खुली सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, सीवरेज इसकी बिल्कुल ज़मीन के अंदर है, और कोई नाली या ओपन गटर सिस्टम नहीं है। बेहतरीन सोसाइटी, बेहतरीन एलिवेशन है, लेकिन ये घर थोड़ा सा नीट नहीं है क्योंकि मेरे पास सिर्फ चाबी इसकी अवेलेबल हो सकी है। बाकी बहुत प्यारे लोगों ने घर बनाए हुए हैं अपनी अपनी मर्ज़ी से, खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन को कवर किया हुआ है फाइबर्स लगा के डिफरेंट। तो व्यूअर्स, ये मैं इस टाइम मौजूद हूँ TV लाउंज के अंदर, तो TV लाउंज का व्यू आपको साइड पर भी नज़र आ जाएगा। और व्यूअर्स, आपकी आसानी के लिए मैंने ये राइट पे, अगर आप देख सकते हैं, तो एक छोटी सी तस्वीर भी मैंने पेस्ट की है TV लाउंज के वाजा करने के लिए। इसी तरह अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ, जिसके अंदर, किचन के अंदर सबसे ऊपर एक कैबिनेट मिल जाती है जिसमें आप अपने को बर्तन रख सकते हैं, और नीचे सिंक है, और सिंक के बिल्कुल साथ चूल्हे की जगह बनी हुई है, और नीचे कैबिनेट से आप अपना हैवी सामान, देशके वगैरह या बड़ी पतीलियाँ वगैरह रख सकते हैं। तो एक दो मरला के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। इसी तरह आप ये TV लाउंज का पूरा व्यू देख सकते हैं, और सीढ़ियों का ऊपर जाने का रास्ता भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रूम। रूम का बेसिकली जो साइज़ है वो 9x10 का है, खूबसूरत साइज़ है, और इसमें एक बेड और दो चेयर्स इजीली लग सकती हैं, और आराम से एक बड़ा किंग साइज बेड इसमें आ सकता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें वॉशरूम भी अटैच है इसके साथ, और इस वॉशरूम की मैं भी लाइट ऑन करके दरवाज़ा खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसमें एक फ्लश है, और फ्लश के साथ एक छोटा सा बना हुआ है जिसे हम सिंक बोलते हैं, वॉशिंग बेस कहते हैं, वॉशिंग बेसन ये वो है। तो ये ऊपर चीज़ें रखने के लिए भी थोड़ी सी जगह है खिड़की के पास, और यहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं वॉशरूम को एज अ अटैच बाथ नीचे वाले बेडरूम के साथ। इसी तरह अब सेकंड चीज़ आपको मैं इस बेडरूम में दिखाना चाहता हूँ, वो है ओपन टू स्काई एरिया, यानी हम वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं, जहाँ आप प्लांट रख सकते हैं, गीज़र लगा सकते हैं, और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि आप इसको आउटसाइड पे रखना चाह रहे हों तो रख सकते हैं, और यहाँ आप लॉन्ड्री भी कर सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप एज आ स्टोर यूज़ करें ना करें उसको यहाँ पे रख सकते हैं। और ये ओपन टू स्काई है, बारिश भी होती है और सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, तो वो चीज़ें रखें जो कि आपको सूट करती हों। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर वाले पोर्शन में, और दिखाता हूँ कि ऊपर वाले पोर्शन में क्या बनाया गया है। तो सबसे पहले हम ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाते हैं, तो जैसे ही आप सीढ़ियों के मिडल में पहुँचते हैं, जो कि किचन के ऊपर वाला हिस्सा है, किचन के बिल्कुल ऊपर, किचन साइज से थोड़ा सा कम स्टोर रूम बनाया गया है, जो कि एक काफ़ी खुला और कुशादा है, जिसके अंदर आप 2.5 फुट चौड़ाई है, और इसकी हाइट जो आप लगा लें वो तकरीबन 10 फुट के करीब है, जो कि एक इजीली जो कैबिनेट्स बन सकती हैं इसके अंदर, और आप अपना अच्छा खासा लगेज और सामान रख सकते हैं। और जैसे हम वहाँ स्टोर से ऊपर आए हैं, तो ये राइट साइड पे सबसे पहले एक ऊपर वाला बेड आ जाता है, जिसका साइज़ सेम नीचे वाले बेड के ही जितना है, यानी कि 9x10 का ही ये है बेडरूम।
तो इसके साथ अटैच वाशरूम तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाशरूम ज़रूर है जो कि आपको मैं दिखाता हूँ, जो कि रूम से बाहर आके यूज़ करना होगा। यहाँ ये शावर और नल वगैरह भी लगे हुए हैं, इसको आप शावर में कन्वर्ट करा सकते हैं, और इसी तरह ऊपर वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट सिस्टम भी आपको नज़र आ जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ रूफ टॉप, जो कि इसकी बिल्कुल बाहर छत है, तो यहाँ आप लॉन्ड्री भी कर सकते हैं, और इधर आप सुकून से, जैसे कहते हैं कि दो चार पाइयाँ लगा कर, गर्मी ज़्यादा लगे तो यहाँ दो चार पाइयाँ ईजीली और फ़ैन भी आ सकता है। और एक कम बजट में लाहौर की खूबसूरत लोकेशन डिफेंस के बिल्कुल साथ इतने पैसों में अगर कोई चीज़ मिल जाए तो बेहतर है। वैसे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो इतनी ही।